जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल, उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि इस हफ्ते में आपको क्या क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलने वाला है, कि कौन सा बड़ा बड़ा हिंदी कंटेंट आने वाला है। तो इस बढ़िया अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है, और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। चलिए बढ़ते हैं अभी इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले जियो सिनेमा की ओर से एक बढ़िया इंग्लिश वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है ट्रू डिटेक्टिव का सीजन 4, जिसके पहले तीन सीजन पहले ही हिंदी डब में अवेलेबल है देखने के लिए। अभी इस सीरीज का सीजन 4 भी आ चुका है, जिसके चारों सीजन के सभी एपिसोड्स अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हैं जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद आल्ट बालाजी की ओर से लास्ट ईयर में अनाउंस की गई थी एक बढ़िया रोमांटिक क्राइम मिस्ट्री तरह वेब सीरीज लीक, जिसे तब अचानक से ही पोस्टपोन कर दिया गया था। अभी इस सीरीज को आल्ट बालाजी की ओर से रिलीज कर दिया गया है, जिसके भी सभी एपिसोड्स अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आपको ना मिल रही हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। इसके बाद आल्ट बालाजी की ओर से ही एक और नई हिंदी वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है रंगीन कहानियां, जो एक 18 प्लस एडल्ट रोमांटिक सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसमें हमें रोमांस तो भर भर के देखने को मिलेगा ही, और उसके साथ सस्पेंस भरी कहानी भी देखने को मिलेगी। बाकी ज्यादा रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद होयचोय की ओर से उनकी कुछ बंगाली वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहली है द इनसाइड स्टोरी, जो एक क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर बंगाली वेब सीरीज है, जो अभी होयचोय की ओर से हिंदी डब में भी रिलीज कर दी गई है। इसके बाद है डू नॉट डिस्टर्ब, जिसे भी कुछ टाइम पहले ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, ये वेब सीरीज भी अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, और ओनली होयचोय के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही। इसके बाद एक और बंगाली सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसका नाम है पार्ना शावरीर शाप, जिसे 2023 साल के एंड में ही रिलीज किया गया था ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही। अभी ये वेब सीरीज भी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे भी आप होयचोय के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसके बाद एक नई बंगाली मूवी को भी हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है क्रिसमस सीक्रेट, जो भी एक सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, और अभी बंगाली के साथ साथ हिंदी डब में भी होयचोय के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद अमेजोन की ओर से हॉलीवुड के एक हॉरर सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है 100 फीट, जिसमें कहानी हमें एक ऐसी लड़की की देखने को मिलने वाली है जो पहले मरीन फोर्स में होती है और अभी अपने हस्बैंड के मर्डर के कारण हाउस अरेस्ट में चल रही होती है, जो कानूनी तौर पे घर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन मुसीबतें उसके घर पे आने वाली है। उसके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलने वाला है, जिसमें क्राइम भी होने वाला है और एक्शन भी, जो अभी अमेजोन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी आज से ही। इसके बाद Amazon Prime की ओर से ही 2019 में रिलीज हुई एक चाइनीज एक्शन एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है हिंदी डब में, जिसका नाम है द क्लाइंबर्स, जिसमें हमें एक्शन और एडवेंचर भरी कहानी देखने को मिलने वाली है, जब चार चाइनीज माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले हैं, लेकिन उनकी जर्नी आसान नहीं होने वाली, जिसमें हमको इस एडवेंचर भरी कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो एक बढ़िया रिकमेंडेड मूवी है, जिसे आपको एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो अभी ओरिजिनल हिंदी डब में Amazon Prime के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद साउथ की एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी डेविल को कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। अभी ये मूवी अमेजोन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन अभी इस मूवी को ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है। बाकी हिंदी डब में हमें कब देखने को मिलेगी उसके बारे में अभी तो कोई अपडेट नहीं है, बट उम्मीद है कि हमें फरवरी मंथ में ही देखने को मिलेगी हिंदी डब में, जिसके बारे में जब भी कुछ पता चलेगा मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता ही रहूंगा। इसके बाद आज के दिन में मतलब के 16 जनवरी से वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज होने वाली है हॉलीवुड की मार्वल्स की बड़ी सुपरहीरो मूवी द मार्वल्स, जिसमें हमें फीमेल सुपरहीरोज की कहानी देखने को मिलती है, और अलग अलग कैप्टन मार्वल्स एक साथ मिलते हुए इस मूवी में देखने को मिलने वाली है, जो अभी आज से ही वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। अगर बात करें इसकी हिंदी लैंग्वेज की, तो हिंदी में इस मूवी को देखने के लिए हमें फरवरी मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा, जिसे फरवरी मंथ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से रिलीज किया जाएगा, और प्रोबेबली इसकी रिलीज डेट होने वाली है फरवरी मंथ के सेकेंड वीक तक की, जो अभी तक अनाउंस तो नहीं की गई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से, जिसके लिए वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिए। इसके बाद आज के दिन में ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली है एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज डेथ एंड अदर डिटेल्स, जिसे फिलहाल ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है अगर आप इंग्लिश में देखते हुए कंफर्टेबल रहते हो तो। इसके बाद बात करते हैं कल के दिन की, मींस के 17 जनवरी की, जब अतरंगी के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई बढ़िया कोरियन सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है ब्लेसिंग्स ऑफ द सी, जिसमें हमें रोमांस भरी कहानी देखने को मिलने वाली है, और इस सीरीज के सभी सीजन को मिला के 100 के ऊपर एपिसोड आ चुके हैं, जिनमें से कुछ एपिसोड्स को ओरिजिनल हिंदी डब करते हुए अभी 17 जनवरी से ही अतरंगी नाम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाने वाला है।
इसके बाद कल के दिन में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है अमेरिकन नाइटमेयर, जो अभी 17 जनवरी से हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसमें हमें एक सच्ची कहानी देखने को मिलेगी एक ऐसे कपल की जो कहीं घूमने जाते हैं और वहीं पे लड़का पुलिस स्टेशन पहुंचता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किडनैप हो चुकी है। लेकिन कुछ दिन बाद वो लड़की अचानक से ही वापस आ जाती है, तो पूरी कहानी क्या थी और क्या सस्पेंस और ट्विस्ट निकल के सामने आते हैं, वही हमें इस ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज में दिखाया जाने वाला है, जो एक मस्ट वॉच ट्रू क्राइम डॉक्यू सीरीज है, लेकिन फिलहाल ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से 18 जनवरी को रिलीज की जाने वाली है एक बढ़िया सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी फ्रॉम द एशेस, जो ओरिजिनल मिडिल ईस्ट की मूवी है, और अभी 18 जनवरी से इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से अरबिक लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें कहानी हमें एक स्कूल की देखने को मिलने वाली है, जिसकी बिल्डिंग के बेसमेंट में अचानक से आग लग जाती है और कैसे वो सभी सर्वाइव कर पाते हैं वही हमें इस कहानी में दिखाया जाने वाला है, और हिंदी डब में रिलीज होने वाली है तो ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद 18 जनवरी को ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई एडवेंचर हैप्पी फीलिंग मूवी द वॉल्फ एंड द लायन, जिसमें कहानी हमें एक लड़की की देखने को मिलने वाली है जो काफी टाइम बाद अपने घर में वापस जाने वाली है, जहाँ पे वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने वाली है, और उसका साथ देने वाले हैं एक छोटा बेबी भेड़िया और एक छोटा बेबी लायन। तो कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो अभी तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े दिन फ्राइडे के दिन की, मतलब के 19 जनवरी की, जब Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इस हफ्ते और इस महीने की सबसे बड़ी वेब सीरीज रिलीज की जाने वाली है, जिसका नाम है इंडियन पुलिस फोर्स, जो रोहित शेट्टी की ओर से बनाई गई एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें हमें बहुत बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलने वाले हैं, और उसके साथ ही स्टारकास्ट भी बड़ी होने वाली है, जिसमें मेन रोल में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ विवेक ओबेरॉय एंड शिल्पा शेट्टी भी मेन रोल में देखने को मिलने वाली है, जो अभी इस फ्राइडे से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई कोरियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है बिग क्विट, जिसमें हमें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है जिसको अपने एक अंकल की मौत हो जाने की खबर मिलती है, हालांकि वो इस अंकल से अपनी जिंदगी में अनजान रही होती है, मतलब कि उसे इस अंकल के बारे में पता भी नहीं होता। तो क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स निकल के सामने आते हैं वही हमें क्राइम मिस्ट्री और थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो अभी इस फ्राइडे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है, जिसके भी सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ही एक और बड़ी हिंदी डब वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है द किचन, जो भी एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें कहानी हमें कुछ ऐसे बंदों की देखने को मिलने वाली है जो इस खत्म हो रही दुनिया में जिंदा बचे रहने के लिए एक नई जगह बनाते हैं। बाकी इस धरती पे क्या हो रहा है वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी इस फ्राइडे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है। इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है एक नई हिंदी डब एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी 60 मिनट्स, जिसमें हमें क्राइम भरी कहानी भी देखने को मिलने वाली है, और कहानी एक फ्री स्टाइल फाइटर की होने वाली है जो अपनी बच्ची की कस्टडी पाने के लिए अपनी जिंदगी में जद्दोजहद भी कर रहा होता है, जिसके चलते ही उसकी जिंदगी में मुसीबतों का भार टूटने वाला है, जो इस फ्राइडे से हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद इस फ्राइडे को ही अतरंगी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है एक नई हिंदी वेब सीरीज, जिसका नाम है शिद्दत मोहब्बत की, जो एक रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज है, बाकी ज्यादा रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई कर सकते हैं जिनको भी रोमांटिक सीरीज देखना पसंद है, जो भी अभी इस फ्राइडे से ही अतरंगी नाम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। इसके बाद इस फ्राइडे को ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है हॉलीवुड की एक बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी बीकीपर, जिसे इंडिया में अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें जेसन स्टेथम हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं, और कहानी एक्शन और क्राइम भरी होने वाली है जो मिस करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, जो अभी तो फिलहाल ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है, बाकी फरवरी मंथ में हमें वीडियो ऑन डिमांड पे भी देखने को मिल जाएगी। तो ये था इस हफ्ते का कंफर्म हुआ कंटेंट, बाकी आने वाले कुछ दिनों में हमें और भी बहुत सारा कंटेंट सरप्राइज रिलीज होते हुए देखने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता ही रहूंगा। तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो जरूर करते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।